कॉमन ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या होगा? कॉमन होगा, कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन सारा का सारा जो सेल्स होंगे उनका उत्पत्ति जो होगा वो समान होगा। दूसरा बात जो होगा वो है कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन फंक्शन, और तीसरा जो बात होगा वो होगा कॉमन स्ट्रक्चर। अगर ऐसे प्लांट टिश्यू होगा जिसका ओरिजिन भी कॉमन हो, मतलब सारे के सारे जो सेल बने होंगे वो सब के सब एक ही प्रकार के सेल्स से बने होंगे, और उनका उन सेलों का जो निर्माण हुआ होगा वो भी एक ही प्रकार के सेल से हुआ होगा, अगर ऐसा कोई प्लांट टिश्यू होगा तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, अगर उसमें डिविजिबल सेल्स नहीं होगा। ध्यान रखना है ये ऊपर ही लिखी है, जैसे ही परमानेंट टिश्यू बोला जाए आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि उसमें क्या होता है, डिविजिबल सेल्स नहीं होता है। उसका फंक्शन कैसा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का? कॉमन है, मतलब सब मिलजुल के एक ही काम करेगा। स्ट्रक्चर सबका कैसा है? कॉमन है, स्ट्रक्चर भी कॉमन है और ओरिजिन तो कॉमन है। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें इट इंक्लूड्स कौन कौन? पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन प्रकार के जो टिश्यू हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका किसका? पैरेन्काइमा का। तो सही कुछ पैरेन्काइमा बोलेगा तो सबसे पहले लिखेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इसके जो भी सेल्स होंगे वो नॉन डिवाइडिंग होंगे, मतलब डिवीजन नहीं करेंगे। दूसरा, थिन वॉल सेल्स होंगे, वॉल सेल्स होंगे। तीसरा बात, इसको कॉमा देकर लिख दे रहे हैं हो जाना चाहिए, या फिर एक दो कैसे लिख सकते हो, वन टू और थ्री कर दो। तीसरा, तीसरा जो भी सेल होगा वो सारा का सारा सेल कैसा होगा? आपका थिन वॉल के साथ साथ वैक्यूलेटेड होगा, उसमें बड़ा बड़ा वैक्यूल होगा, वैक्यूलेटेड सेल्स। जो भी सेल्स होंगे वो सब वैक्यूलेटेड होंगे, उसमें वैक्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात इसमें करेंगे, इसका ये दो तीन जो है इसका कैरेक्टर है जो आराम से आपके दिमाग में रखना चाहिए। अधिकांश जो होगा चौथा पॉइंट में, मोस्टली आइसोडाइमेट्रिक मैट्रिक सेल्स, अधिकांश जो सेल होंगे आइसोडाइमेट्रिक होंगे, और आइसोडाइमेट्रिक आपको बताए थे सर्कुलर सेल या गोलाकार सेल्स। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है सर्कुलर या गोलाकार सेल्स, अधिकांश ऐसे होंगे। पैरेन्काइमा का और जो कैरेक्टर का अगर बात करेंगे हम कि ये कैसा होगा, तो एकदम दिमाग में एकदम रखिएगा कि ये इसके जो सेल्स होंगे वो लिविंग भी होंगे, थिन वॉल है तो लिविंग भी होंगे, एकदम दिमाग में रखिएगा। पांचवा जो इसका कैरेक्टर है वो लिख देते हैं लिविंग सेल्स। अगर आप लोग शुरुआत से क्लास किए होंगे तो ये पढ़े होंगे कि जो थिन वॉल सेल्स है उसका मतलब होता है वैसा सेल जिसमें केवल एक ही सेल वॉल होता है,
सेल वाले की संख्या उस सेल में कितना होता है, केवल एक होगा। अगर एक से ज्यादा सेल वाल हो तो उसको बोलते हैं थिक वाल्ड क्या सेल, ठीक है। और थिक वाल्ड सेल अगर प्लांट में होगा तो समांतर वो कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है, थिन वाल्ड होता है। फिर और क्या होगा इसमें, लूजली अरेंज्ड होगा, लूजली अरेंज्ड। जो भी सेल्स होगा वो लूजली अरेंज होगा, और लूजली अरेंज का मतलब है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। जो सेल्स होंगे उनके बीच में क्या पाया जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें जो भी सेल्स होंगे वो सब के सब आपके उसका काम होगा फूड स्टोरेज। अगला जो बात है वो ना तो फंक्शन कर लो, इसमें फंक्शन में कर लो फूड स्टोरेज। तो पैरेन्काइमा में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पैरेन्काइमा क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स का बना होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है, थिन वॉल सेल्स का बना होता है, वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, मतलब बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है उसमें। अधिकांश सेल्स कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, सेल्स होता है लूजली अरेंज होता है, मतलब उनके बीच में कोशिकाओं के बीच में स्पेस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, फूड स्टोरेज होगा। ये आपको पैरेन्काइमा के बारे में बताया। अब पैरेन्काइमा भी जो है ना वो कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो नीचे शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। आप इसका पैरेन्काइमा टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में जाते हो, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा का अगर बात करें तो कम से कम ऐसे तो उसको पांच भाग में बांट सकते हैं, छह भाग में बांट सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में तीन भाग में तो बांट ही सकते हैं। एक है सिंपल पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मतलब सामान्य पैरेन्काइमा। दूसरा है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन लिखे हैं, कॉलेन नहीं, कॉलेन अगर हो जाएगा तो दूसरा टिश्यू हो जाएगा, क्लोरेन्काइमा। तीसरा कर लीजिए थर्ड एरेन्काइमा, काइमा। ये तीन प्रकार के जो है ना टिश्यू है, ठीक है। तीन प्रकार के पैरेन्काइमा जो है ना आपके आपके किताब के अनुसार आपको पढ़ना है। अब आपके दिमाग में ये तीनों को हम पहले घुसाने का कोशिश करते हैं। देखो बाबू, अगर सिंपल पैरेन्काइमा कब बोलेंगे, जब पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे हो, गोलाकार हो और सिंपली अरेंज हो, उनके बीच में स्पेस भी हो, थिन वॉल्ड हो, देखिए एक ही दीवार डाले हैं चारों तरफ से, अगर ऐसा हो तो इसको बोलेंगे सिंपल पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सामान्य पैरेन्काइमा, सिंपल पैरेन्काइमा। लेकिन अगर ऐसा हो पैरेन्काइमा कि उसके बीच में स्पेस भी हो सकता है, स्पेस तो होता है पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो इस तरह से सजे हुए हैं, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, इलॉन्गेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो है ना
वो आपका कुछ पाया जाए इस तरह से क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, जिसमें प्रोटोप्लाज्म था सब में जो है ना आपका क्या है प्रोटोप्लाज्म है, इसमें प्रोटोप्लाज्म बना दोगे तो यहाँ पर क्या है तीन बार लिविंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स, है ना, तीन बार लिविंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं आपका क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर है। अगर किसी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और वो थीन वाल्ड है तो उसको कहते हैं क्लोरेन काइमा। कॉलेन काइमा अलग है, क्लोरेन है, क्लोरेन ध्यान रखिएगा, क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा किसी को बोलेंगे क्लोरेन काइमा। इसका क्या खासियत बता रहे बाबू, क्लोरिन काइमा का, क्लोरिन काइमा का ये भी थीन वाल्ड होगा, थीन वाल्ड, और कैसा होगा लिविंग होगा, और कैसा होगा नॉन डिवाइडिंग होगा, नॉन डिवाइडिंग होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और गुण होगा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वैसा पैरेन्काइमा जिसमें जिसके सेल्स में क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरेन काइमा। अगला है एरेन काइमा। एरेन काइमा में क्या होता है देख लो, इसके जो सेल्स होते हैं वो गोलाकार भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबा हो गया हो, इस तरह के सेल्स हो सकते हैं, उनके बीच में एयर स्पेस पाया जाता है। सेल्स जो होता है ना सेल्स के बीच में एयर सैक या एयर स्पेस पाया जाएगा, इस तरह से, इस तरह का स्थिति है। ये सब क्या है बाबू सेल्स है, सेल्स है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में देख रहे हैं हम कि सेल्स किस प्रकार से सजा हुआ है, थोड़ा छोटा अगर नजर आ रहा होगा तो दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा, ठीक है। अभी जो है ना कम से कम आप हाथ उठाए, मतलब हवा भरा हुआ खाली स्थान होगा, एयर सैक्स, इस तरह से। ये एयर सैक्स है, इसको बढ़िया से थोड़ा लिख लेते हैं, इस साइड से लिफ्टिंग कर लेते हैं मैं तो। ये आपका इसमें है एयर सैक, एयर सैक का मतलब समझ में आ रहा है हवा भरा हुआ स्थान है। अगर किसी पैरेन्काइमा में ऐसा पाया जाए तो उसको कहेंगे एरेन्काइमा, काइमा, एरेन एयर रखने वाला, क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट रखने वाला, सिंपल जिसमें कुछ नहीं है। एरेन काइमा में क्या क्या लिख सकते हो, इसके भी सेल्स कैसे होंगे थीन वाल्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कैसे होंगे लिविंग होंगे, और कैसे होंगे नॉन डिवाइडिंग होंगे, नॉन डिवाइडिंग होंगे, ठीक है, डिविजन नहीं कर पाएंगे, डिवाइडिंग होंगे,
और क्या होगा? एयर सैक्स प्रेजेंट, है ना, ये तीन चार जो है ना अगर पाया जाएगा कैरेक्टर तो उसको कहेंगे एरेंकाइमा। तो एरेंकाइमा क्या है, दिमाग में आ जाना चाहिए, एक प्रकार का पैरेंकाइमा है। अब सबका अपना अपना काम है। अगर सिंपल पैरेंकाइमा का काम करो, काम बताओ, तो इसका काम है फंक्शन, अगर बात करें तो इसका फंक्शन है फूड स्टोरेज। ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। अगर बात करें क्लोरिन काइमा का, तो इसका काम क्या है, फंक्शन, इसका फंक्शन है फूड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन शायद आप एक नाम सुने होंगे, फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस इसी टिश्यू में होता है, और टिश्यू में क्लोरेन काइमा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिन काइमा, इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड बायोलसी। फंक्शन लिख देते हैं इसका ठीक से, टू प्रोवाइड बायोलसी। बायोलसी समझते हो, उत्प्लावनता, है ना। छप ये इसको क्या करेगा, पानी में तैरा के रखेगा, बायोलसी, ठीक है। ये इसको डूबने से बचाएगा, कौन, एरेंकाइमा। अब कहां कहां कौन पाया जाता है, ये आपको जो बताया सिंपल पैरेंकाइमा, इन स्टेम, फिर रूट्स, ऑल्सो इन लीव्स, दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का बात अगर करोगे तो पूरे भाग में ये पाया जाता है, कौन बाबू, सिंपल पैरेंकाइमा। लेकिन ये क्लोरेनकाइमा कहाँ होता है, इन लीव्स, पत्तियों में या ग्रीन पार्ट में, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। जबकि एरेंकाइमा किसमें पाया जाएगा, तो इसका एग्जांपल का बात करो तो आप आराम से कर सकते हो, इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, वैसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, एरेंकाइमा पाया जाता है। जैसे आप लोग जलकुंभी को जानते होंगे, जलकुंभी, वो जो जलकुंभी होता है उसको कभी खोले होंगे अगर उसको, तो उसमें जो है ना आप देखिएगा कि कुछ अंदर में जो है ना वो रुआ जैसा है भरा हुआ, उजला जैसा, और हवा निकलता है उसको कस के खोलिए तो आवाज निकलता है, हवा भरा होता है उसमें। पानी में डुबा के देखिएगा, डूबता नहीं है वो, वही बायोलसी बोल रहे हैं, बायोलसी पानी में तैरता रहता है, ऊपर रहता है। ये जो वायंसी होता है वो उसी के कारण है, किसके कारण, वो जो धुआं जैसा आपको नजर आता है, या वो जो आपको सेल्स का उसमें देखिएगा हवा भरा हुआ जैसे स्पंज जैसा जो नजर आता है, वो आपका है क्या रियली में, वो एरेंकाइमा है, ठीक है। तो एरेंकाइमा के कारण ही जो आपका जल में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, जिनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, वो डूबते नहीं है बल्कि जल में भी क्या होता है, तैरते रहते हैं। जबकि क्लोरेनकाइमा के कारण पौधे के जो हिस्से हैं वो हरे नजर आते हैं और फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जबकि सिंपल पैरेंकाइमा के कारण जो आपका पौधों का जो विभिन्न भाग होता है वो क्या कर पाता है, फूड स्टोरेज कर पाता है,
या कोई भी चीज को जब रखना होगा तो अपने में स्टोर कर पाता है। तो ये आपको कुछ बताए हम पैरेंकाइमा के बारे में, और पैरेंकाइमा यहाँ पर समाप्त हुआ। पैरेंकाइमा का जो टाइप था उसका नाम था क्लोरेनकाइमा, ठीक है, और ये है आपका कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं देख लीजिए, पहले बना लेते हैं फिगर, उसके बाद इसके बारे में लिख लेंगे तो, है ना। तो पहले फिगर से देख लो, ऐसे जो सेल्स हैं इस प्रकार से होते हैं, देखिए ये जो बीच बीच में कॉर्नर है ना, यहाँ पर थिकनिंग पाया जाता है इस तरह से, जहां पर सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं उस कॉर्नर पर जो स्पेस था वहां पर थिकनिंग पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, कुछ डिपोजिशन पाया जाता है, और इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस जो थे यहाँ पर क्लियर नहीं होते, कुछ में पाया जाता है लेकिन अधिकांश में जो है ना थिकनिंग जम जाने के कारण ये आपका क्या हो जाता है, भर जाता है पूरी तरह से ऐसे। तो इसका जो सेल्स में देख रहे हो आप, ये तो आपका सेल्स है, बीच बीच में आपको कुछ जमाव बनाए हैं और ये है आपका थिकनिंग, थिकनिंग एट द कॉर्नर या इंटर सेलुलर स्पेस, सेल के बीच का जो स्पेस था उसमें बात कर रहे हैं कुछ थिकनिंग है। अब ये जो थिकनिंग है ये होता किसका है, ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन का होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का ये बना होता है डिपोजिशन। अब इससे फायदा क्या क्या होता है थोड़ा सा इसमें हम कुछ बात लिख लें जो आपको क्या हो आसानी से इसको समझा जा सके। तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, जो भी इसके सेल्स होंगे नॉन डिवाइडिंग होंगे, पहला बात हो जाएगा। दूसरा बात, पार्शियली थिक वॉल, वॉल लिविंग सेल्स, है ना, पार्शियली थिक वॉल होगा जहां तक आंशिक रूप से कॉर्नर पर है ना, थिकनिंग कहां पर है, कॉर्नर पर है, सेल्स समानता जो है डिफरेंट स्पेस का होगा, लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि आपका क्या होगा, आपका ये पाया जाएगा डिपोजिशन कॉर्नर पर। और ये इसका एग्जांपल कहां पर आपको मिलेगा, नहीं पहले फंक्शन करो, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है वाइटल फंक्शन, वाइटल फंक्शन विद मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट वाइटल फंक्शन बोल रहे हैं। वाइटल का मतलब क्या होता है, जब भी वाइटल शब्द आएगा ये लिविंग के लिए होता है, लाइफ के लिए आता है, ध्यान रखिएगा जीवन से संबंधित है ये लाइफ, तो वो सारे के सारे फंक्शन करेगा जो जीवन के लिए आवश्यक है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब ये पैरेंकाइमा का भी काम करेगा और स्क्लेरेनकाइमा का भी काम करेगा। अब ये रहता कहां पर है, ठीक है, इसका पहले बात कर रहे, तो ये आपको वैसे आपका इपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहता है, इपिडर्मिस जो होता है उसके जस्ट नीचे, हाँ, तो अगला पॉइंट देख लीजिएगा, तो
प्रेजेंट बीनीथ एपिडर्मिस इन स्टेम स्टेम ऑफ ग्रासेस ग्रासेस लाइक मेज राइस वीट ईटीसी। मकई वगैरह को जब देखोगे ना तो उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, इसलिए जब उसको उसका छिलका आप छिलते हैं तो आपको थोड़ा कड़ा जैसा मिलता होगा। मकई में छिलका ऊपर देखिएगा सॉफ्ट होता है, उसके बाद जब उसको छिलते तो थोड़ा सा कड़ा मिलता है। ईख केतारी आप लोग छिलते होंगे तो उसमें जो छिलका हटाते हैं वो छिलका थोड़ा कड़ा होता है, वो इसी के कारण होता है, वो पॉलन काइमा का बना होता है। आप इसमें देख सकते हैं क्या बोलते हैं ये वीट में गेहूं में गेहूं का दिखेगा डंठल जो होगा ऊपर से छिलेगा थोड़ा सा वो निकलेगा मूंग जैसा, उसके बाद अंदर दिखेगा थोड़ा हार्ड होता है एक लेयर, वो जो हार्ड लेयर है वो कौन सा लेयर है, वो आपका पॉलन काइमा लेयर है। ठीक है, तो ये आपको हम आपको पॉलन काइमा के बारे में बता दिए। पॉलन काइमा क्या था वो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते स्टेम काइमा के बारे में, उसको बंद कर दिया बता दिए। एस्क्लेरेन काइमा जो होता है वो आपका ऑफ थिक वॉल सेल्स, थिक वॉल मतलब एक से ज्यादा सेल वॉल होगा, ध्यान रखिएगा थिक वॉल डेड, जैसे ही थिक वॉल होगा वो डेड हो जाएगा सेल्स। हाँ, जो भी आपके सेल्स होंगे डेड होंगे, थिक वॉल होंगे सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आपका सेल वॉल होगा वो किसका बना होगा, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज प्लस लिग्निन। इसका जो सेल वॉल होगा सेलुलोज और लिग्निन का बना होगा या होता है, जबकि इसका क्या बताया सेलुलोज और पेक्टिन का, सॉरी पैंकाइमा में छूट गया, पैंकाइमा में सेलुलोज का केवल है ना, पैंकाइमा में किसका बताएगा सेलुलोज का, पीछे वाला में नोट कर लीजिएगा, पैंकाइमा में जोड़ लीजिएगा, पैंकाइमा में क्या हो जाएगा सेलुलोज का। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इसका फंक्शन, इसका जो फंक्शन होता है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। ये जीवित रहने वाले काम को नहीं करता क्योंकि ये मरा हुआ होता है, तो इसका काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट, ये सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट जो भी है वो ये आपका देता है। तो ये कुछ आपका स्टिल कैमरा के बारे में बता रहे थे। अब हम वो इस तरह के होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, अटैच होते हैं, थिक वॉल बोल रहे हैं, डेड होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब इसमें सेल वॉल एक से ज्यादा होगा, देखो इसमें सेल में सेल वॉल जो है ना एक से ज्यादा दो बना रहे हैं कम से, हाँ दो सेल वॉल होगा इस तरह से, इस तरह का होगा सेल से। इस तरह का ये हो गया एक, और कुछ जो होते हैं स्टेम काइमा वो ऐसे भी होते हैं इलोंगेटेड, इस तरह के आपको मिलेंगे इलोंगेटेड है लेकिन थिक वॉल होंगे, लंबा इस तरह से होगा इलोंगेटेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं स्टोन सेल्स सेल्स या स्क्लेरिट्स, और ये है फाइबर्स,
जो आपका एस्पिरिन काइमा है वो भी आपका दो रूप में पाया जाता है, एक फाइबर के रूप में और एक स्टोन सेल्स के रूप में, मतलब छोटे छोटे सेल्स के रूप में, हार्ड सेल्स के रूप में। अगर थोड़ा बहुत भी आप देखे होंगे या खाए होंगे, अभी मिल भी रहा होगा, एक सेव जैसा फल आता है जिसका नाम है क्योंकि नाशपाती। नाशपाती को खाइएगा, नाशपाती को जब खाते होंगे तो अंदर में कुछ लगता होगा बालू जैसा, कटकट करता है खाने में, वो जो कटकट का जो आपको कटकट जैसा उसके जो गुद्दा में लग रहा है वो क्या है उसका, उसमें स्टोन सेल्स है या स्क्लेरिट्स है, वही आपको थोड़ा हल्का कड़ा लगता है और खाने में बालू जैसा हल्का महसूस होता है। सैंड लाइक पार्टिकल्स में आपको जो मिलते हैं वो क्या थे, स्टोन सेल्स है। जितने आपके प्लांट हैं उनके जो सीड्स होते हैं, सीड का जो कवर होता है वो सब स्टोन सेल्स से बना होता है। अमरुद का आप बीज को खाइएगा, अभी अमरुद मिल रहा होगा, अमरुद के सीड को खाना तो कटकट का आवाज आता है, कड़ा जैसा महसूस होता है, वो किसके कारण, स्टोन सेल्स के कारण। और ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स आपको जो है ना मिलेंगे, रेशा मिलता है आपको, जितने आप प्लांट का प्रोडक्ट को देखेंगे, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सब में आपको क्या मिलता है, रेशा टाइप का मिलता है। ये जो रेशा मिलता है ना, ये रेशा इससे मिलता है, इसका एस्क्लेरिश का या एस्क्लेरेंकाइमा का मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं रुआ, रुआ जो देखते हैं रुई का जो रेशा होता है ना वो सब इसी का होता है। जूट का जो रेशा देखते हैं ना वो धागा इसी का होता है। गांव में सनई होता है, कुद्रुम सनई जिसे लोग रस्सी बनाते हैं, वो सब इसी से बनता है, इससे फाइबर से। और आप ईख चिंते होंगे, गन्ना, उसमें भी आपको मिलता है बीच बीच में फाइबर जैसा। हाँ, तो ये फाइबर्स जो है ना आपका इसका बना हुआ है, एस्टेरिनकाइमा का। एस्टेरिनकाइमा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टेरिनकाइमा है, टाइप्स ऑफ एस्टेरिनकाइमा, टाइप्स ऑफ एस्टेरिनकाइमा, एस्टेरिनकाइमा का टाइप है कौन कौन, स्टोन सेल्स और एक फाइबर्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको लैपटॉप पे दिखा देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये समाप्त कर देते हैं।